हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? चलो अभी हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। तो 4.1 का फर्स्ट पोएम जो है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये इसके राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर। तो आप लोगों ने शेक्सपियर का नाम तो सुना होगा, ही इज अ वेरी फेमस पोएट एंड ऑथर, राइटर है, बहुत ही फेमस है। ही इज बिलोंग टू लंडन। तो ये जो लेसन है, सॉरी ये जो पोएम है, इसके थ्रू शेक्सपियर जो है वो हमें इनवाइट कर रहे हैं। जो पोएम है इसके थ्रू वो हमें इनवाइट कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि मेरे साथ में आप लोग ज्वाइंट हो जाओ और क्या करो, एंजॉय करो। ये जो मेरी सिंगिंग है, जो बर्ड्स है ऑन ट्री, बर्ड्स जो ट्री के ऊपर बैठे हुए हैं और ये कितना अच्छे से जैसे सिंगिंग कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसे सुनो, आप लोग मेरे साथ में ज्वाइंट हो जाओ। और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे कोई एनिमीज है, सो नो एनिमीज बट विंटर एंड रफ वेदर, ऐसे कह रहे, मतलब यहाँ पर कोई भी हमारा एनिमी नहीं है, बट जो वेदर है वो कैसे है, वो बहुत ही बदल रहा है। कभी ठंडी हवा चल रही है, कभी बहुत कोल्ड लग रहा है, रफ वेदर है, तो ऐसे वो कह रहे हैं। और उसके साथ में वो क्या कह रहे हैं, दे कैन बी हैप्पी ईटिंग व्हाट दे गेट एंजॉइंग द सनशाइन एंड गिविंग अप द लॉफ्टी एम्बिशंस। और हु डॉट एम्बिशन सन एंड लव टू लीव इट, ये देखो इट सन मतलब अंडर द सन। तो यहाँ पर ये सब ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स जो शेक्सपियर है बहुत ही ओल्ड टाइप जमाने के हैं, बहुत ही उनका पीरियड जो था वो 18th century का था। तो वो टाइम से अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश जो है वो दैट वॉज वेरी डिफरेंट। तो सीकिंग द फूड ही ईट्स एंड प्लीज्ड विथ वॉट ही गेट्स, कम हिदर। सो ही इज सेइंग दैट कि आप लोग क्या करो, आप लोग आओ यहाँ पर, कम हियर। कम हितर मीन्स कम हियर, तो आप लोग इसको हितर मीन्स वॉट हियर, आप लोग यहाँ पर आओ और देखो यहाँ पर कितना एंजॉयमेंट हो रहा है। ही शाल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी एनिमी नहीं है, मतलब वो कह रहा है जैसे हाउ ही इज लाइंग देयर अंडर द ट्री, आप लोग भी मेरे साथ आकर ऐसे ही आराम से लेट कर जो नेचर है उसका मजा लो, और जो नेचर में बर्ड्स है जैसे सिंग कर रहे हैं, उनकी आवाज़ वो सब आप लोग एंजॉय करो, और साथ ही जो ठंडी हवा चल रही है, कैसा रफ वेदर है, तो आप लोगों को सिर्फ यही थोड़ा सा, कैसे हमें हमें आदत नहीं होती है ना ठंडी हवा में और एकदम ज़ोरदार ऐसे जैसे अपने पूरे बॉडी को ऐसे शिवर करने वाली ठंडी आती है, तो हमें सहा नहीं जाता है बिकॉज़ वी आर लिविंग इन सिटी, और सिटीज़ में बहुत ही गर्म हवा रहती है, ठंडा थोड़ा हो जाता है क्लाइमेट, 25 degree भी अगर क्लाइमेट टेम्परेचर डाउन हो गया तो हम लोगों को ऐसे लगता है कितनी ठंडी है। तो ये जो डिफरेंसेस है ये सब देखने के लिए वो क्या कह रहे हैं, यू जस्ट जॉइन विद मी, मेरे साथ में आप लोग आओ। ठीक है बच्चों, तो दिस इज वेरी लवली पोएम। तो वन टाइम आई एम गोइंग टू रीड विथ यू। अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी एंड टर्न हिज मेरी नोट ऑन टू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, Come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. Who doth ambition shuns and loves to live in the sun. In the sun matlab under the sun. Then seeking the food he eats and pleads with what he gets. Come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. And who is the poet? The poet is the William Shakespeare, who is a very famous writer. आप लोग अगर Google पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा how much he is famous. Okay बच्चों, तो एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इंग्लिश वर्कशॉप जो है इसका वो हम कंप्लीट करेंगे।
तो आप लोग ज़रूर उसे भी देखना। इसके लिए अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करना। ओके, बाय टिल देन।